अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार। आप देख रहे हैं जयपुर शहर के मालवीय नगर क्षेत्र में नगर निगम की तरफ से बांटे जा रहे हैं राशन के किट। राशन किटों का जो वितरण किया जा रहा है उसमें ये व्रत महिला है मिलता है राशन, फिर आपको डिटेल्स वगैरह नाम आपको इनको नहीं मिल पा रहा है बीपीएल कार्ड से, तो फिर आपको मिलता नहीं कि सामान सामान बाकी नहीं मिलता सामान मैंने कभी नहीं लिया, आज तक नहीं मिला सामान कभी नहीं लिया बेटा, आज ही आज तक कभी सामान नहीं मिला, कभी भी नहीं लिया मैंने को नहीं, आज ही आई हूँ तो पास में घर जब आई हूँ नहीं तो मैं नहीं लेती। चलो ठीक। आप देख रहे हैं वैसे सोशल डिस्टेंसिंग की पालना ना के बराबर की जा रही है, या पुलिस के जवान होमगार्ड के जवान जो लगे हुए हैं वो भी सोशल डिस्टेंसिंग की पालना नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि काफ़ी दिनों बाद इस एरिया में राशन का वितरण किया जा रहा है। ये विधवा महिला है जो अभी बता रही थी जिनको काफ़ी दिनों से राशन नहीं मिला, उस विधवा महिला को राशन दिया जा रहा है। कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष शहर के हैं एरावत शर्मा, उनसे बात करते हैं इस संदर्भ में। सर आपके 11 सेक्टर में आज आप खाद्य का राशन वितरण करवाने हैं। सेक्टर 11 में जो है हमारे लगभग 1600 मकान PWS के LIG के ज्यादातर गरीब तबके के लोग रहते हैं। और दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, ये जो है राशन सामग्री हमारी जो है कांग्रेस की नेता अर्चना शर्मा जी के प्रयासों से जो है यहाँ पे बट रही है और सभी लोगों को ईमानदारी से राशन बांटा जा रहा है। और लगभग 1600 मकान है यहाँ पर, तो 1600 मकानों में से हम अभी तक लगभग जो है 600 मकानों को कवर कर चुके हैं और काफी जो है लोग जो यहाँ पे गरीब तबके के लोग रहते हैं राशन सामग्री बांट रहे हैं, उनको एक बार नाम लिखते हैं घर घर जा करके और उसके बाद में राशन सामग्री बांटते हैं। सर काफी सारी विडोज आई हुई है यहाँ पे, विधवा औरतें आई हुई है, वो कह रही हमारा नाम नहीं लिखा लिस्टों में कोई, विधवा औरतें आई हुई है हम उनको उनके नाम लिखते हैं घर जा करके और फिर उसके बाद में जो है राशन लेने की जब राशन बढ़ता है तो सब लोग आते हैं, ऐसे में ज्यादा नीडी होता है तो उनको भी जो है हम कोशिश करते हैं राशन दिलवाने की, अलग से नाम लिख करके रिक्वेस्ट करते हैं निगम से, निगम के कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करते हैं, उनको कहते हैं भाई इनको दे दीजिए आप, ये गरीब लोग हैं जो है परेशान लोग हैं इनको दे दीजिए राशन आप, और पूरा प्रयास करते हैं। जैसे अभी हमारे माता जी है इनको भी अभी जो है जैसे इन्होंने नाम नहीं लिखवाया पहली बार इनको राशन मिला नहीं है तो हम प्रयास कर रहे हैं इनको दिलाएंगे इनको राशन, ऐसी बात नहीं है। और पूरा निगम हमारे को पूरा जो है कोऑपरेट कर रहा है, निगम के कर्मचारी कोऑपरेट करते हैं, मैं आपके माध्यम से इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ, नगर निगम के कर्मचारियों को, हमारे जो है ये स्टाफ है पुलिस स्टाफ है बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं काफी। कितने किट बांटे सर आज? लगभग 200 किटों का टारगेट था हमारा और 200 में से हम 150 किट बांट रहे हैं, कुछ लोग 150 किट बांट चुकी है, कुछ लोग जो है उसमें जिनका राशन कार्ड में नाम होता है गेहूं ले लेते हैं या पेंशन वाले होते हैं उनका नाम कट जाते हैं, बाकी सब लोगों को हम राशन बांट रहे हैं। इससे पहले कहीं और बार बांटे थे राशन? इससे पहले पूरे मालवीय नगर में अर्चना शर्मा जी के नेतृत्व में पूरे मालवीय नगर में राशन बट रहा है। नहीं, काफी सारे लोग ये बोले कि आज हमें पहली बार मिल रहा राशन। नहीं सर, वो बात सही है और हर आदमी तक हम पहुंच नहीं पाते, हम लोग फिर भी प्रयास करते हैं घर घर जाकर के नाम लिखने के। नहीं सर, ये योजना जो मुख्यमंत्री की तरफ चलाई जा रही है इस योजना में हर हफ्ते लोगों को राशन मिलने का है? हाँ जी। क्या इस एरिया में हर हफ्ते राशन मिलता है? बिल्कुल हर हफ्ते नहीं, हर दूसरे तीसरे दिन निगम वाले जो है राशन बांट रहे हैं यहाँ पे, हम जब लिस्ट देते हैं तो उसके अनुसार राशन बंटता है और पारदर्शिता से ईमानदारी से राशन बंट रहा है। आप यहाँ के लोगों से पूछ सकते हैं, सबको ईमानदारी से राशन बंट रहा है पारदर्शिता से, कोई पक्षपात कुछ नहीं, जो लोग गरीब हैं गरीब तबके के उनको राशन बांट रहे हैं हम लोग। नगर निगम से हो आप? जी सर। कौन सी पोस्ट होंगी? मैं नगर निगम सफाई कर्मचारी हूँ, वार्ड नंबर 52 से। 52 से वार्ड? जी सर। कितने किट बांटने के लिए आए थे आज आप? सर आज हमें 150 किट प्राप्त हुई है। और आपके साथ कोई अधिकारी भी है क्या? जी सर, हमारे साथ प्रेमचंद जी हैं। यादव साहब कितने किट बांटने आए थे आज आप? 150 किट बांटने आए थे। यादव साहब, ये नगर निगम की तरफ से किट कौन देता आपको? ये वहाँ से डीसी साहब है, वहाँ से इशू होते हैं, फिर यहाँ जो जैन साहब है संजय जी मैडम है उनके मार्फत लिस्ट हमारे पास आती है, फिर हम यहाँ बांटते हैं। लिस्टों के हिसाब से आप बांटते हो? बिल्कुल। और हफ्ते में कितनी बार बांटते हो आप राशन? सर ये रोज ही बट रहा है, यहाँ अलग अलग यहाँ सेक्टर है तो सेक्टर के हिसाब से लिस्ट आती है उसमें हम बांटते हैं। इस क्षेत्र में आपने कितनी बार राशन बांट दिया? यहाँ सर 4 बार बांट चुके। अब लॉकडाउन हुए सर 2 महीने हो गए, 2 महीने 4 बार बटा, कितना आता सर राशन इसके अंदर?
सर इसमें दस किलो किराया तो प्रशासन या गवर्नमेंट या आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे 5 किलो राशन इसके अंदर मुझे लगता है कि जो राशन आ रहा है ना 4 आदमियों के लिए सिर्फ 4 दिन का रहता होगा इसमें राशन, तो इन लोगों ने अभी 60 दिन निकाले, आज 60 दिन हो गए, तो 60 दिन इन्होंने कैसे पार निकाली होगी इन्होंने अपनी? सर अब ये तो जो गवर्नमेंट व्यवस्था है वो कर रही है, ये तो ये जाने कैसे निकालते हैं मुश्किल है, लेकिन इस राशन से इनका होना। तो आप इस संदर्भ में अपने डीसी कौन है इस समय, उनको कुछ क्या कहना चाहेंगे आप? डीसी साहब को वो तो सर ये तो गवर्नमेंट डीसी साहब को यही भाई इससे पर्याप्त तो नहीं होता ये, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक कर रही है। गुरुदयाल जी का भी है, गुरुदयाल जी इस जो 11 सेक्टर में राशन बांट रहे हैं आपका क्या है इसके अंदर योगदान? मेरा योगदान केवल यहाँ व्यवस्था बनाए रखना है, सामाजिक दूरी बनाए हुए। सर ये आपकी ये आपके आपके सामने तस्वीरें दिखा रहा हूँ, ये सोशल डिस्टेंसिंग है क्या? कुछ मीडिया ऐसा होता है मीडिया को देखने के लिए पशु पक्षी भी आ जाते हैं, ये तो आदमी है। नहीं सर देखो आप मीडिया के ऊपर ब्लेम मत करो, मीडिया और भी है, मीडिया को अपना चेहरा मीडिया में दिखाने के लिए सरकार, राज्य सरकार, हमारे नगर निगम के अधिकारी कई बार राशन सामग्री 11 सेक्टर में नहीं 1, 2, 3 सेक्टर में हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र में लगभग 5, 6 बार सभी जगह राशन पहुंच चुका है। रही कि 5 किलो से कैसे काम चलेगा, पार पड़ोसियों से भामाशाहों से हमारे कार्यकर्ता रावत जी के साथ मिलकर के भामाशाहों से भी हमने राशन सामग्री बुलाई है। अभी तक आपने कितने कट्टे राशन बंटवा दिए इधर? हमासाओं से या 1, 2, 3 सेक्टर 11 सेक्टर और 9, 10, 11, 12, 13 सेक्टर में लगभग 2000 कट्टे बच चुके हैं, जिसमें 50% नगर निगम का 75% योगदान है, तो 25% भामासाओं का योगदान, और प्रत्येक गरीब तक हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंचने की कोशिश कर। सर आप कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में से हैं, मैं ये चाह रहा हूं अभी सरकार कांग्रेस की है, मैं चाह रहा हूं जो अभी किट दे रहे हैं इस किट में एक परिवार का कितने दिन गुजारा चल सकता है आपके साथ? इस किट में परिवार तो एक बड़ा भी होता है, लेकिन 4 परिवारों का ये सप्ताह भर का किट दिया जा रहा है। ईमानदारी से देखा जाए सप्ताह भर का 4 लोगों का काम आराम से चल सकता है, अगर कोई ज्यादा परेशान होता है तो उसे भामाशाहों से हम 7 दिन बाद दिलवा देते हैं। मैं यहाँ आपको 20 उदाहरण ऐसे बता दूं जो भामाशाहों से दिलवाए हैं। क्या क्या इस किट के अंदर क्या क्या सामान आता है? किसमें किट में क्या क्या सामान? किट में 5 किलो आटा है, 1.5 किलो चावल है, 1 किलो दाल है, 0.5 किलो तेल है, 4-5 मसाले हैं, इनसे साबुन है, और इनसे एक सप्ते का तो काम एक परिवार का आराम से चल सकता है, और कोशिश की जा रही है। हमारे नगर निगम के कर्मचारी लगे हुए हैं, हमारे बड़े नेता रावत जी वगैरह सब लगे हुए हैं कि 15-15 दिन का राशन दिया जाए, जिसमें 15 किलो आटा हो, 2 किलो दाल हो, 5 किलो चीनी हो। सर तो इस क्षेत्र हमारे कालीचरण जी सर्राफ हमारे जो MLA साहब हैं इतने दिनों से, उन्होंने सबसे पहले सामान भिजवाया था, लेकिन उसके पैसे भी नहीं दिए सरकार से, वो 20 लाख रुपए और वापस ले लिए। कौन नगर निगम कहाँ जाए? कौन सा 20 लाख रुपए? जो 20 लाख रुपए उन्होंने सामान के लिए दिए थे वो आज तक नहीं दिए नगर निगम को, नगर निगम उनसे पैसे मांग रहा है, वो सामान कहाँ गया? सिवाय कार्यकर्ताओं के गया है, ठीक है, बीजेपी का कार्यकर्ता हो चाहे कांग्रेस का कार्यकर्ता हो, वो कार्यकर्ता है, गरीब जनता का आदमी है, वहाँ कोई पक्षपात की कोई भावना नहीं। चलो ठीक, आप देख रहे हैं यहाँ किटों का वितरण किया जा रहा है, और इसके साथ ही कांग्रेस के जिला उपाध्यक्ष के द्वारा जो ब्लेम लगाए हैं उनके बारे में बात करेंगे विधायक कालीचंद जी सर आपसे। अतुल्य संसार आपकी खबरों का संसार, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।